नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंद्री रोड दरड़ के बिल्कुल मेन एंट्रेंस के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं ये हाईवे है और हाईवे पर किस तरीके से यहां पर एक किराने की शॉप थी जिसका सारा का सारा सामान अभी आप बिखरा हुआ देख पा रहे होंगे। कुछ सामान ठीक है लेकिन कुछ सामान खराब हो चुका है। ये आप देख सकते हैं किराने की जो दुकान थी उसकी छत है जो बिल्कुल यहाँ पर गिर चुकी है। मैं आपको बड़ी जानकारी देना चाहूँगी कि ये जो जानकारी मिली है कि ये अवैध जगह पर यहाँ पर दुकान बनाई गई थी जिसका नोटिस भी दुकानदारों को मिला था, लेकिन आज पीडब्ल्यूडी की जो तमाम अधिकारी हैं कर्मचारी हैं मौके पर पहुँचते और यहाँ पर पीला पंजा चल जाता है। और उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि दरड़ गाँव के पास जो ये हाईवे पर किस तरीके से यहाँ पर दुकानें बनी हुई थी उन दुकानों को यहाँ पर नीचे गिरा दिया गया है, क्रेन से नीचे गिरा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मौके पर पुलिस बल भी पहुँचा हुआ था। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार है। आपकी थी ये दुकान? हाँ जी मारी। क्या नाम, कहाँ से हो? अब्दुल्लापुर से। अब्दुल्लापुर से। रजिस्ट्री थी आपके पास? हाँ जी रजिस्ट्री है। चालीस साल। कोई नोटिस वगैरह आया था? नोटिस तो आया था ये मेरे पास। कब आया था? 4 महीने का टाइम दिया था मैडम। कब दिया था? डीसी ने सर, मैडम परसों गए थे, उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया था, ये फिर नोटिस दिया उसको लिख के। रिटर्न में कुछ है कि डीसी साहब ने 4 महीने का समय ये दिया था मैडम? उसने रिटर्न में 4 महीने का टाइम दिया था। उन्होंने बोला भैया आपके कह रहे थे भी फसल कट जाएगी उसके बाद हम पीछे सरका लेंगे जी। तो फिर मेरा नाम सोनू कुमार है जी, हमारी शॉप है जी, 1982 की हमारी रजिस्ट्री है ये। तो जी हम अपना चाय पानी का काम कर रहे थे और कर यहाँ करते, लेकिन 1982 की रजिस्ट्री है जी हमारी, पुरानी उर्दू के टाइम की बनी हुई है मेरे पिताजी के उस टाइम की। तो ये कल आए थे, कल नोटिस दे गए थे, लेकिन ये नहीं कह गए थे कि भाई हम इसको आज तोड़ देंगे, हम सुबह सामान भी लेके आए, केड़े काले हमारे सब यहाँ रखे हैं। आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? और सर थे अपना करनाल के सदर थाने का SHO था, हमने उनको ये भी दिखाया जी हमारे को ये, उन्होंने दिया था, डीसी ने टिक मार करके एक्शन को भेजा हुआ था PWD को। तो कहने लगे हम नहीं इसको जानते, हम नहीं करते। तो अब आप डीसी साहब से मिलने नहीं गए इकट्ठा होकर? मिल के आए मैडम, मिल के आए थे जी डीसी साहब, वहाँ मिले नहीं। ये सुबह हुई जी, फिर आप डीसी साहब के पास गए? क्या गए थे वहाँ पे मिले नहीं साहब? काफी नुकसान हो गया ये, तो नुकसान हमारा जी कम से कम 4 लाख के करीब का नुकसान। सामान भी सारा खराब हो, सामान सारे ने निकालने नहीं दिया जी कुछ। वो अपना दुकानें थी जिनको तोड़ा गया? दो हमारी हैं जी और 4 इधर, तो 8 दुकानें साइड है जी, यानी 10 दुकानें हैं यहाँ अभी। 10 दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई है? 10 की और 5 आगे हैं जी, 5 आगे तोड़ गए। आपका क्या नाम है? नरेंद्र शर्मा। आपकी भी दुकान है? आपकी दुकान नहीं जी, मेरी आपकी? मेरी दुकान थी। आपकी कौन सी दुकान थी? मेरी ये दुकान थी, हेयर ड्रेसर की। हेयर ड्रेसर की? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? 37 साल हो गए जी मैडम यहाँ पर। पहले आपके पापा और फादर थे मेरे? हाँ जी, रजिस्ट्री है, सारा कुछ है। डीसी पास के, डीसी सर के पास भी गए, उसने ये नोटिस दिया, 4 महीने का टाइम दिया। वो बोले मुंजी कट जाएगी आपकी, मुंजी कटने के बाद बना लियो पीछे। फिर इन्हें पीडब्ल्यूडी ने क्या नोटिस दिया था, उन्होंने क्या कहा था? अवैध है ये सारी जगह जहाँ पर आपकी दुकान है? सड़क से सेंटर के ऑर्डर हैं ऊपर से हाईकोर्ट के, तो ये सेंटर के उसमें है, तो इनको हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक्शन साहब कह रहे थे, GM SDO भी आए थे, SDO भी कह रहे हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप DC साहब से मिलो। फिर हम सरदार जी और हम सारे मिल गए, DC साहब को एप्लीकेशन भी दे कह दिए, एप्लीकेशन ये भी हमारे को जो ना, तो इतना हमारी फसल कटी है पीछे, सरकार ने फसल लगी हुई है, कहना कि ठीक है। तो ये इन्होंने आज तोड़ दी है, ये फसल भी लगी हुई है पीछे हमारी। देखो एक बार आपकी दुकान का है वो दुकान दिखा दो, ये आप देख सकते हैं इंद्री रोड है, करनाल इंद्री हाईवे है, जहाँ पर दरड़ गांव के बिल्कुल पास में जहाँ पर एंट्रेंस है दरड़ गांव की, जहाँ से हम दरड़ एंटर करते हैं वहीं पर आप देख सकते हैं बाहर कुछ किराने की दुकान थी, खाने पीने की दुकान थी, एक हेयर ड्रेसर की दुकान भी बताई जा रही है। कहाँ पर थी आपकी भैया दुकान? ये थी मेरे हेयर सैलून, यहाँ पर था ये सैलून था यहाँ पर। तो सामान उठा लिया था आपने? नहीं मैडम, सब टूट गए हैं बीच में, सामान सारा नुकसान हो गया जी, शीशे सब टूट गए जी यहाँ पर। DC साहब ने कहा था कोई नहीं, 4 महीने बाद पीछे बना लियो, इनको कुछ नहीं सुना, नोटिस भी दिखाया इनको, ये बोले हमारे पर कोई नोटिस नहीं है, DC साहब से बात करा दो, को हमारी इमाम सिद्दीकी से बात कराते हैं जिनके। तो यही काम कर रहे थे आप? कमाने वाले कौन कौन है घर में आप? बस दो ही जने हैं जी, मम पापा मेरे, मैं हूँ जी। कितने का नुकसान हुआ है आप? कम से कम 3-4 लाख को है मैडम जी। 3-4 लाख? तो कैसे होगी इसकी भरपाई? बस देखो जी कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, दुकान नहीं रही जब? कुछ नहीं, बस सड़क पे खड़े होंगे जी,
और क्या करें? इतने सालों से आप यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, आपने बात नहीं की कि हमें कहीं और जगह दे दी जाए या किस तरीके से हम अपना गुजारा करेंगे बाद में? मैडम वही थी ये तो बात, इनसे पहले ये बोले कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। सरकार ने तो ना जी गरीब आदमी का जीना दुर्भर कर दिया, बताओ हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ हम क्या करेंगे, हमारी करेगा कोई मदद? आप ही हैं कमाने वाले घर में। मैं ही हूं, कलम डैडी तो मेरे मेंटल अपसेट रहते हैं, उनको तो मेडिकल का सरकारी उससे बना हुआ है, वो तो मेंटल रहते हैं, तो मैं यहाँ पे परिवार वालों को बताया कि अब दुकानें नहीं रही हमारी। आई हुई थी बेचारी मम्मी और अपना चली गई, रो रहे थे परिवार वाले। और जी आप देख सकते हैं कि परिवार वाले इनके रो रहे थे, पिछले कई कई सालों से यहाँ पर इनकी दुकानें थी और अब सामान उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं और 10 दुकानें बताई जा रही हैं जो किस तरीके से यहाँ पर थी। लेकिन किराने की दुकान आपकी थी सर, किराने की दुकान, क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह जी। कहाँ पर थी आपकी दुकान? टूट गई है सारी? हाँ जी सब सामान सारा। कौन कौन आया था यहाँ मौके पर इस समय? SHO सब थे जी। SHO बलजीत थे? अपनी अपनी PWD की ना यहाँ तक जगह थी जी, 62 फुट टोटल हमने रिकॉर्ड करवाया था, हमने इधर नई शॉप बनी है ना, ये यहाँ पे नोटिस आए थे तो इन्होंने इसकी कागज निकलवाए थे, 62 फुट जो फुल टोटल PWD की है। डी साहब ने कहा था जी कट जाएगी उसके बाद हम वो आपको। सुरजीत सिंह हेयर ड्रेसर है यहाँ, तो DC साहब ने मतलब ये साइन करे थे, बोले भाई मतलब ना जीरी कट जाएगी, मुझ बनी बात भी हुई थी। DC साहब से ऊपर कौन है कि अगर उनकी बात नहीं मानी? ये देखो जी हमारा मतलब नहीं तो हम अपना सामान निकाल लेते, उस दिन DC साहब मर से मर से ये कहते थे नहीं, हम तो साहब से ये साहब मरते ये कहते थे भाई मतलब ना अपने सामान निकालो अपने ये टूटेंगे भाई, कोई बात नहीं थी मतलब उसी टाइम बोल देते साहब ने, बोला कि भाई अनुग्रह जहाँ ठीक है फसल काट के ना पीछे सरका लेना भाई, 4 महीने का समय दिया गया फसल तक का दे दे जीरी काट के भी पीछे सरका लेना, 4 का नहीं जी जीरी कट जाएगी ना जब अपना पीछे कर लेना। हाँ ठीक है जी, दान अपनी दुकानें पीछे कर लेना, पीछे कर भाई हमारे पीछे। हाँ ये बोला था मुझे माने DC साहब ने। अब ये दुकानें जो टूट गई हैं, सामान सारा खराब हो गया, इसका हर्जाना कैसे होगा? DC साहब ने बोला था, अब उससे पूछना करना बात, अब भाई हमारे घर से ऐसा झूठा आश्वासन क्यों दिया? बहुत बढ़िया आदमी भाई, भाई ऐसा झूठा आश्वासन दे, DC साहब बढ़िया आदमी है, बढ़िया बात करी हमारे से, और उन्होंने न्यू नहीं कहा भी टूटेंगे ये तो भाई। उसी टाइम बोल रहा था उस दिन हम उठा लेते हैं। आप देख सकते हैं इनको सामान उठाने का भी समय नहीं दिया गया, वहाँ तक आप देख सकते हैं उन्होंने अपना सारा दिन सामान दफ्तर के चक्कर काटते रहे सारा दिन, ये वहाँ से लगवा के मुलाकात नहीं हुई DC साहब से? नहीं मिले नहीं। सुबह PWD की यहाँ पर कार्रवाई होती है, पीला पंजा चल जाता है और किस तरीके से भारी पुलिस बल यानी पुलिस की जो फोर्स है वो भी यहाँ पर पहुँचती है और 10 दुकानें बताई जा रही है जो यहाँ पर टूटी हैं। आगे भी आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं, दुकानों का सामान यहाँ से बचा कुचा उठाया जा रहा है, लेकिन काफ़ी लाखों का नुकसान गरीब परिवारों का हुआ है क्योंकि पिछले कई सालों से यही दुकानें चलाकर अपने घर का गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब बचा है तो ये सिर्फ सामान और अब दुकानें नहीं रही। SHO साहब को कहने लगे लिखित में लिखा के लेकर ये नहीं चलता कहो, SHO साहब बोले सदर के, मगर जनाब मारे को DC साहब ने टिक मार के हुआ है PWD साहब को, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और किस तरीके से अब यहाँ पर खाली हाथ लिए इस कागज को यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।